The world has changed. पहले टीवी न्यूज चैनल्स क्या दिखाया करते थे? जो हुआ है वो. They used to report. But now, दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों ने इतनी तरक्की कर ली है that you can actually create news. 5, 4, 3, 2, 1. क्यों के बुनियादी सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अर्शद शरीफ. नाज़रीन, आपने अभी जो क्लिप देखा, ये एक इंडियन मूवी है रन, जिसका मतलब होता है मैदान जंग. उसमें से जिसमें कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से, पहले ये होता था कि खबरें खुद बनती थी, अब खबरें बनाई जाती हैं. मुल्क के सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के साथ जो वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, काबिले मुजम्मत वाकया हुआ, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई जिसमें कि एक तरफ मीडिया का एक ग्रुप खड़ा नजर आता है, एक तरफ फौज पे इल्जाम का सिलसिला और कैंपेन जो सियासी रहनुमा कह रहे हैं वो सिलसिला अभी तक जारी है. वो सिलसिला सारा शुरू हुआ तो उसमें मीडिया और मिलिट्री के भी हवाले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मिलिट्री मीडिया रिलेशनशिप के हवाले से भी. फिर इल्जाम सियासी कायदीन की तरफ से ये लग रहे हैं कि हुकूमत एक मीडिया ग्रुप की पुष्पनाई कर रही है, जबकि दूसरे सियासी लीडर्स एक तरफ इकट्ठे होते इस मामले पर नजर आ रहे हैं. मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फौज के हक में रैलियां भी निकली. मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूं और फिर डिबेट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मजाही साहिबा, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, MNA हैं, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं. कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब, MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और कराची से ही हमें अपडेट्स देंगे जो जुडिशियल कमीशन बनाए वो अपनी तहकीकात पूरी करिए रेहान हाशमी. जी हाँ, दो रेहान हाशमी हमारे साथ हैं, रेहान हाशमी साहब MQM के और रेहान हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ कराची के दुनिया न्यूज के. आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया. नाज़रीन, इसी मूवी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आगे चल के आता है कि खबर की वेरिफिकेशन कैसे होती है, खबर चलाने का प्रेशर क्या होता है, और एक बाप और बेटा जो चैनल के मालिक होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि बेटा कह रहा होता है कि खबर को चलाना है. बाप जो कि अरसा दराज से न्यूज के बिजनेस में होता है, बहुत उसने क्रेडिबिलिटी अपनी बनाई होती है मीडिया के बिजनेस में, वो कहता है कि हम ये खबर कैसे चला सकते हैं. आइए आपको ये क्लिप दिखाते हैं. जैसे नेता पर इस तरह आरोप लगाना कोई मोटी टॉकिंग डैड, क्या बात कर रहे हो? साफ साफ दिख रहा है मामला सूडा ने करवाया. अरे अतुल कुमार दुबे जो खन्ना के साथ बैठ के बात कर रहा है, हुडा का खास आदमी, सब जानते हैं. एवरीबडी नोज दैट इंक्लूडिंग यू. पर बिना कोई सबूत के हाउ कैन यू? व्हाट सबूत आई टॉकिंग अबाउट दैट? क्या सबूत की बात कर रहा है? कौन सबूत की बात कर रहा है? ये मीडिया पीपल दैट, पर हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस. ये सच है ना? ये सच है. जी हाँ नाज़रीन, ये तो फिल्म थी जिसमें ये डिस्कशन हो रही थी कि बगैर सबूत, और बेटा आगे से कहता है कि हम मीडिया में जो भी सच मिलता है बकौल उनके वो चला देते हैं. कुछ इसी तरह के मामलात उस दिन पेश आए जिस दिन हामिद मीर साहब पे हमला हुआ. उसके बाद महाज आ रही, कुछ सियासतदान कहते हैं कि अभी भी सिलसिला जारी है. सियासतदानों ने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और गवर्नर सिंध इस हवाले से क्या कहते हैं, देखते हैं. जिस तरह 8 घंटे इन्होंने ISI के चीफ को और जिस तरह इन्होंने किया उसके साथ, ये तो कोई दुश्मन भी ना करे. जो जियो ने किया वो नहीं जियो को करना चाहिए था, और इससे नुकसान अदारे का हुआ है. माजी में जियो का किरदार जो है वो बड़ा ही नेगेटिव रहा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, तो मैं उसमें भी आजकल बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनका काम था. हमारा काम है कि अदारे अपने अपने रो में काम करें, अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर काम करें. जियो ने या जंग ने एक कैंपेन लॉन्च की है, वो यकीनन ऑन द फेस ऑफ इट वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो वो यकीनन गुमराह जो है उसका मुल्क दुश्मनी का ही बनता है. तो यकीनन इस पे गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है और तमाम तरह कानूनी चाराजोई इस पे की जा रही है. जी हाँ, ये मुल्क के चंद बड़ी सियासी जमातें जो अपना मौकिफ बयान गई थी, साथ साथ मुल्क भर में आज रैलियां भी निकली हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो कैंपेन का सिलसिला जारी है वहां पे फौज को तंबीह की जा रही है, वार्निंग्स दी जा रही हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, और इस पे इल्जाम ये लगता है कि शायद हुकूमत उस मीडिया ग्रुप के पीछे पड़ी है. चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कहते हैं कि मीडिया और सिविल सोसाइटी मजबूत हो रहे हैं तो कुछ मुकद्दस गायें हैं उनका रुतबा कम हो रहा है.
और ज्यादा से ज्यादा फौज कर क्या सकती है, यानी कि इतना गुमान है, इतना गरूर है कि फौज कर क्या सकती है, आइए आपको सुनाते हैं। अब क्योंकि मीडिया और जुडिशरी और सिविल सोसाइटी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इन रिलेशन इन लोगों की जो सेक्रेट का स्टेटस है वो कम हो रहा है। इन्हें अब ये एहसास होना चाहिए कि वो पुराने जमाने में जैसे होता था कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, वो जमाने खत्म हो गए। अब आपने देखा मैक्सिमम आईएसआई क्या कर सकती है या फौज क्या कर सकती है कि जो डिफेंस के इलाके हैं वहां ये कह सकते हैं कि जी आप ना चैनल बंद कर दें। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि अब एहसास हो जाना चाहिए नहीं तो करवा दिया जाएगा। इसलिए मेरी एक एडवाइस, जैसे मैंने जियो के लिए एडवाइस दी, इसलिए मैं अब फौज की लीडरशिप के लिए वो ये कि अगर इनका ये ख्याल है कि ये जो कार्रवाई इस वक्त कर रहे हैं कि चैनल को बंद कर रहे हैं और ये धमकियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। जी डॉक्टर मजारी साहिबा, आपने सुना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं फौज और आईएसआई ज्यादा से क्रिकेट का फंक्शन कुछ एक्सपैंड हो गया। देखो अरशद, बात ये नहीं है, उन्होंने बात की सेक्रेट काओ। अगर आप एक सो कॉल्ड सेक्रेट काओ को दूसरी सेक्रेट काओ मीडिया को बना दें तो फिर वेर आर यू। और ये थ्रेट देना कि फौज कर क्या सकती है, अगर फौज चाहती, अगर वो कोशिश करिए बंद करने की, फौज तो नहीं कर रही ना। पेमरा के रूल्स हैं, पेमरा ने नोटिफिकेशन दिए, पेमरा इज अंडर द सिविल गवर्नमेंट। तो अगर पेमरा के रूल्स टूटे, हमारा मौकफ है आप लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, जो भी हो। कोई सेक्रेट काउ नहीं होनी चाहिए तो फिर मीडिया हाउस भी सेक्रेट काउ नहीं बन के रह सकता। इट्स अ सिंपल एज दैट। ये आप समझिए कि प्रोवोक किया जा रहा है फौज को, तंबीह की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि फौज कर क्या सकती है। इतना गुमान के आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता, तंज कस रहे हैं। और ये कि जी हम वही ना, इतना पावरफुल मीडिया हाउस है, क्योंकि सेठी साहब भी तो उसी मीडिया हाउस के लिए काम करते हैं ना, पार्ट टाइम पीसीबी के चेयरमैन है। तो मतलब है कि आप एक खाम खा उकसा रहे हैं लोगों को कि जी फौज कर क्या सकती है, सेक्रेट काउ नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। हर चीज, हर इदारे को कानूनी दायरे में और जो उसका रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रहना चाहिए। इसका मतलब है मीडिया को भी कानून के तहत चलना चाहिए। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि हामिद मीर साहब, जिनके साथ ये वाकया हुआ और जो कि इतनी जंग लड़ी है उन्होंने आजादी के लिए, मीडिया आजादी के लिए, उनके अटैक को डाइवर्ट किया जा रहा है ये, इसके बजाय कि उसमें फिर एफआईआर लिखी जाती और जो एफआईआर में वो या उनकी फैमिली नेम करते, फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती और अब जुडिशियल कमीशन भी बन गई, वो इश्यू साइड पे हो गया। और अब ये पूरा दिस इज बिकम अ स्ट्रेंज असर्शन ऑफ पावर बाय वन मीडिया हाउस। मतलब है हामिद मीर साहब की जिंदगी तो छोड़े अलहदा, उस पर तो कोई नहीं नोटिस ले रहा। इशू जियो वाले अपना हामिद मीर की आड़ में अपना एक असर्ट करें कि हम कितना पावरफुल हैं। मतलब सेठी की जो ये चैलेंज है फौज को, ये यही कह रहे हैं ना अपने मीडिया बॉसेस की तरफ से कि हमें कोई नहीं कुछ कह सकता, करके दिखाओ। ये कोई बात है इररिस्पॉन्सिबल। और फौज की लीडरशिप को एहसास करवा दिया जाएगा। आप पूछे कौन है, क्या कैसे एहसास करवाएंगे। मतलब है शर्म की बात है कि आपका एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको आप ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एनिमी इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये आइडिया कि यू आइदर फॉर और अगेंस्ट द मिलिट्री, भी आपकी मिलिट्री है, आपकी आईएसआई है, दुश्मन मुल्क की तो नहीं है। लेकिन अब लाइंस उस तरह ड्रॉ हो रही है और ये बड़ा अफसोस और ये बड़ा क्लियर मैसेज था। रेहान हाशमी साहब एमएनए एमकेएम के भी हमारे साथ हैं। रेहान हाशमी साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी फौज को एहसास करवा दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फौज और आईएसआई कर क्या सकती है, किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, किस किस्म का मैसेज है ये, क्या कहना चाह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का रोज़ अव्वल से इस हादसे के बाद ये मौकिफ रहा है कि किसी भी क्रेडिबल इदारे के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक मोतबर इदारा है और बग़ैर किसी सबूत के, या इवन के अगर सबूत भी होता तो इस तरह अंगुशनुमाई नहीं करनी चाहिए थी जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हर्फ आ रहा है। लोग हमारे मुल्क में भी और जो हमारे पड़ोसी ममालिक में भी मजाक बनाने वाली एक बात हो गई है। और
इसके ऊपर तो तहकीकाती टीम जो कमीशन है वो मुरतब हो चुका है और हमें सबको चाहिए कि उस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आने तक अपनी जो कयास आराइयां हैं उससे गुरेज करें। और अल्ताफ हुसैन भाई ने इस हवाले से 14 पॉइंट्स रेज भी किए हैं कि अगर आप इसको डिग आउट करना चाहते हैं, जिसमें बेशुमार चीजें कि जनाब अचानक क्वेटा जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल होकर कराची का क्यों आ गया, फिर जियो की इंतजामिया में से किसको पता था इनके प्रोग्राम का, और वहां पर अगर पता था तो वो उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया, और इस हादसे के फौरी बाद क्या ड्राइवर को। बिल्कुल रियान हाशमी साहब, ये सारे 14 सवाल हम पहले भी अवाम को बता चुके हैं। मेरा सवाल आपसे है चेयरमैन पीसीबी के इस बयान के हवाले से कि फौज और आईएसआई ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकती है, फौज की लीडरशिप को एहसास करवा दिया जाएगा और ये एम्फेसिस दे के बात हुई, क्या मतलब है इसका, क्या मैसेज दिया जा रहा है एक मीडिया ग्रुप की तरफ से फौज और आईएसआई को? देखिये ये तो गैर मुनासिब तर्ज अमल है ना। एक क्रेडिबल इदारा जो कि आपकी हिफाजत पे मामूर है, आपकी सरहदों की हिफाजत कर रहा है, आप और वैसे ही डिमोरलाइज किया जा रहा है मुख्तलिफ सेगमेंट की जानिब से, जहां पर दहशत गर्दों से नबर्द आजमा है, जो फौज पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को और सिविलियंस को पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं, उनसे प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक पैरेलल सिचुएशन क्रिएट करने का क्या मकसद है, इससे डिमोरलाइज नहीं होगी क्या? मैं तो समझता हूं कि गैर मुनासिब तर्ज अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं ऐड कर दूं इधर, अरशद, अगर आपने आज न्यूज पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि यूएस इज टेकिंग एन इंटरेस्ट, यानी कि सेठी साहब कहीं अमरीका का रेफरेंस धमकी दे रहे हैं फौज को, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूज आइटम था। बिल्कुल, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं। जियो से या उनकी तरफ से कोई आता तो हमने इनवाइट किया था, कामरान खान साहब से भी एक को भी हमने रिक्वेस्ट की थी और अंसार अब्बासी साहब को भी, लेकिन दोनों की तरफ से जवाब नहीं आया इस हवाले से। फवाद चौधरी साहब, नजम सेठी साहब की आपने बातचीत सुनी, वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा फौज और आईएसआई कर क्या सकती है और फौज की लीडरशिप को एहसास करवा दिया जाएगा, क्या मैसेज दिया जा रहा है फौज को? देखिए अरशद, जाहिर है नजम सेठी साहब के नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्हें चेयरमैन पीसीबी ही नहीं, वो पाकिस्तान के एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जाहिर है उनकी एक ओपिनियन है जिससे डिफर किया जा सकता है, लेकिन श्री मजारी बीबी जो पाकिस्तान की फौज के जो लोग गले काटते हैं उनके लिए उनकी इतनी मजम्मत नहीं सुनी जितना कि नजम सेठी साहब के इस आर्गुमेंट के ऊपर मैं उनकी तरफ से सुन रहा हूं, तो आई विश के वो कम अज कम इतनी मजम्मत का 50% जो है वो तालिबान के लिए भी कर लिया करें तो जरा अच्छी एक हेल्दी रवायत हो जाएगी। जहां तक जियो का मामले का ताल्लुक है, तीन बातों के ऊपर कंसेंसस है। एक, पहली बात तो यह है कि हामिद मीर साहब के साथ ज्यादती हुई और हम सब इकट्ठे हैं कि उनके मुदावा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जियो ने किया आईएसआई के साथ वो बिल्कुल गलत है और उसके ऊपर उन्होंने खुद भी जो है वो अगले ही दिन अपनी पोजीशन भी चेंज की और वो हम सारे समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं था। तीसरी बात यह है कि जो जुडिशियल कमीशन बने उसको इसके साथ साथ कि वो मामला का जायजा ले, हामिद मीर साहब का, वो इसका भी जायजा ले कि जो आईएसआई के खिलाफ कंपेन की गई है वो क्या बाकायदा किसी मिलिशियस प्रोपेगंडे का हिस्सा थी और वो क्यों की गई है। और जहां तक चौथी बात है जिसको हम अलबत्ता सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे, वो ये है कि किसी भी इंसिडेंट को बुनियाद बना करके किसी भी मीडिया हाउस को या किसी भी मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जाए, सेंसरशिप लाया जाए या बैन लाया जाए, वो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अलबत्ता हम ये जरूर कहते हैं कि मीडिया शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल और मीडिया में जैसे आप जैसे लोग जो हैं जो बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं कि मीडिया को अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी तरफ जाना चाहिए और अब वो वक्त आ गया है कि मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर अपने अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। जी अच्छा, रेहान हाशमी साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी कराची में है। रेहान, कल से जुडिशियल कमीशन भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और आज मैं चंद अखबारात पढ़ा था, खासतौर पर जंग में एक स्टोरी लगी हुई है कि हमले की तफ्तीश के हवाले से कुछ परेशानियां लाहिक हैं और इसमें आईएसआई एमआई के रोल के हवाले से अगर इन इदारों के ऊपर भी उन लोगों को तहफ्फुज़ात हैं तो फिर ये तहकीकात कौन करेगा, मामलात कैसे आगे चलेंगे, किन किन इदारों पे हमारे तहफ्फुज़ात हैं और जुडिशियल कमीशन कल क्या कार्रवाई करेगा? देखिए अर्शद साहब, जो बातें प्रिंट हो रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जिन्होंने एक इदारे के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, उससे तो ऐसा लगता है कि आखिर में केस ऐसा ना हो कि वो ये ऐलान कर देंगे तमाम तहकीकात हम खुद करेंगे, इसकी रिपोर्ट भी हम खुद जारी करेंगे, हमें किसी पे एतबार ही नहीं है।
मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है आगे चल के, क्योंकि एक हफ्ता हो गया इस केस को, आज 27 तारीख के 19 को इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे। एफआईआर पुलिस ने कहा एफआईआर कटवाए, उसमें ताखीर कर दी, एक बयान दिया उसमें तजाद हो गया, आज मेडिकल रिपोर्ट जारी हो गई है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, हमने कानूनी माहिरीन से पूछा, पुलिस अफसरान से पूछा, उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट तो 24 घंटे में बन जानी चाहिए, 8 दिन में मेडिकल रिपोर्ट, उनका 7वें दिन जाके उनका मेडिकल सीनियर एमएलओ है डॉक्टर कलीम, उन्होंने जाके उनका एमएल किया है, जब उनसे पूछा हमने, उन्होंने कहा जी बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं क्योंकि जख्म भर जाते हैं, गोलियां निकालनी जाती हैं, तो केस तो खुद ही डाउट होता जा रहा है। अब जैसा कि आपने बात की वो प्रेशराइज कर रहे हैं, तफ्तीश तो कर रही है पुलिस, पुलिस की बाकायदा एक टीम बनी है, आईजी सिंह ने एडिशनल आईजी कराची एक शाहिद हयात एक ऑनर्स अफसर हैं, उनके साथ सुल्तान ख्वाजा जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े बड़े केसेस दिए हैं तफ्तीश के लिए, वो अफसरान उसमें शामिल हैं। अगर ऐसे अच्छे अफसरान जिस टीम में शामिल हों और मुख्तलिफ इदारों के, जैसे आईबी है वो तो सियासी हुकूमत के ताबे होती है, वो है उसमें आईएसआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, अगर हम मुल्क के तमाम इदारों पर भरोसा छोड़ दें तो मुझे लग रहा है कि आखिर में सबको मना कर दिया जाएगा और खुद ही कहा जाएगा जी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं हम बताएंगे। और कमीशन कल कराची आ रहा है, बिल्कुल प्रिंट जो मीडिया में इशारा दिए गए थे, तमाम को तलब किया गया है जो गवाही देना चाहता है इस कमीशन के सामने वो अपने वो शवाहिद भी पेश करे, गवाही भी दे। अब देखना है जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, अपनी बड़ी बड़ी स्टोरीज प्रिंट की हैं, क्या वो कमीशन के सामने आके ये तमाम बयान देंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रिहान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए कि आखिर में शायद यही दावा सामने आए, डिमांड सामने आए कि हम इसकी खुद तहकीकात करा देंगे, सबके ऊपर तो अदम एतमाद आ रहा है डॉक्टर साहब। ये तो वही है ना कि हम ही साफ और शफाफ हैं, सारे खराब हैं। मैं एक फवाद चौधरी साहब को मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती, हमने सारे दहशतगर्दी के वाकियों को कंडेम किया और हमने ठीक है डायलॉग को सपोर्ट किया, सारी पार्टीज ने एपीसी में किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी फौज के खिलाफ एक कैंपेन चलाया हो, हम अपनी फौज आपने की हमारी बहुत फौज के सबसे बड़े कातिल हकीमुल्लाह महसूद के मरने के ऊपर आप आंसू और दुख बहाए हैं, आपकी तो मुझे लग रहा था कि उनका मतलब जो अफसोस के लिए आप अपने दरवाजे खोल देंगे कि लोग हमारे घरों में आके अफसोस करें उनका, या आपके दिए हालात है टेररिस्टों की हमारे के बारे में डिबेट, इससे हम पहले भी बात कर चुके हैं। नाज़रीन यहाँ पे मैं एक वक्फा लेता हूँ और वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है कि अदलिया की तरफ से फौज को पीछे हटने का कहा जाएगा, ये दावा किस बेसिस पे आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस किस बात पे है और ये किसने कहा, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपको इस प्रोग्राम के इस हिस्से में एक और साउंड बाइट सुनाना चाह रहा हूं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जब अदालतों में वो जाएंगे तो अदालतें आगे क्या करेंगी, फौज को क्या मैसेज जाएगा, तो सवाल यहां पे ये उठता है कि अदालतों की इंडिपेंडेंस पे भी ये साहब सवाल उठा सकते हैं, उनको भी कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं और बहुत से अगर लोग सोचें इस पे तो क्या अदालतों को भी मैनेज किया हुआ है, अदालतों की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी, आइए सुनाते हैं। अगर ये 4-5 दिन भी और ऐसे चला तो डेफिनेटली पिटीशन अदालत में होगी और अदालत मीडिया के साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, और ये ना हो कि अदालत की तरफ से बड़े सख्त किस्म के डायरेक्टिव्स आए कि ये हरकतें बंद की जाएं, इस एन इम्पिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अदालत को तो आज भी शामिल करने की कोशिश की है ना कुछ लोगों ने, वो और तरीके से वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे और जियो और उसके सपोर्टर्स कामयाब हो जाएंगे। जियो ने इसलिए उससे पहले फौज ने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिए, अब इनको पीछे हटना, ये ना इसको ज्यादा देर ना चलाएं, नहीं तो अदालत की तरफ से क्रिटिसिज्म आनी शुरू हो जाएगी और ये फिर इनको पीछे हटना पड़ेगा। जी डॉक्टर मुजाहिद साहब, आपने सुना कि कह रहे हैं अदालत की तरफ से क्रिटिसिज्म आएगा, अदालत की वजह से पीछे हटना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है क्योंकि आप प्रीवियस जज कर रहे हैं अदालत क्या फैसला करेगी अगर कोई केस करता है, तो आप किस बेसिस पे प्री जज कर रहे हैं, ये बात आती है। मेरा ख्याल में एक प्रेसिडेंस है, पहले जब आपको याद है ज्यारत में रेजिडेंसी जली थी, वो झंडा पाकिस्तान का जला था,
तो ARY में एक एंकर, बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने कहा था ये BLA ने किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया था चौधरी इफ्तिखार ने। नजम सेठी के प्रोग्राम में फिर कहा गया था, नजम सेठी ने नहीं कहा था, उनके गेस्ट एंकर ने कहा था कि, और वो भी जियो के बड़े सीनियर वो हैं एंकर, उन्होंने कहा था कि ये ISI ने जलाया है पाकिस्तान का झंडा। उसके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया, और फिर कुछ दिन बाद BLA ने खुद फिल्म रिलीज की जिधर उन्होंने कहा कि ये हमने जलाया है। तो जब ये प्रूफ भी हो गया तो ना सेठी साहब, ना उनके जो एंकर हैं क्वेश्चन जो उनको फीड करते हैं, ना उन्होंने, ना जियो की तरफ से कोई करेक्शन आई, कोई अपोलॉजी आई, कुछ नहीं आया। यानी कि एक इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने उस वक्त भी लगाया था जो कि गलत साबित हुआ, और कुछ नहीं किया। और क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस ने नहीं इन पे एक्शन लिया तो गालबन उस पे ये जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अदालतें ये करेंगी, इट्स प्री जजिंग डिसीजन, और मैं समझती हूँ इट कुड बी ग्राउंड फॉर कंटेम्प्ट। लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा और अदालतें इन्हीं को सपोर्ट करेंगी। फवाद चौधरी साहब, जस्टिस ख्वाजा शरीफ कमीशन रिपोर्ट अगर आपको याद हो, वहां भी सिलसिला जो शुरू हुआ था, एक सहाफी इसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, उस पूरी रिपोर्ट में उनका नाम भी आया कि किस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब के करीबी ब्यूरोक्रेट के साथ गठजोड़ करके एक जाली खबर लगाई गई, और उसमें फ्रेम किया गया था उस वक्त के गवर्नर सलमान तासीर साहब शहीद को, रहमान मलिक साहब को, और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब को। तो ये एक सिलसिला हमें नजर आ रहा है, उस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे कि ये क्या किस्सा था? जी बिल्कुल, ये आपको मालूम है अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये सारी कंट्रोवर्सी माशाल्लाह अभी भी जिन्होंने शुरू की है, ये कह के कि DGISI को इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें नहीं ये स्टोरी जो है वो दी थी। और जो सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, वो जो अब भी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी साथ मिलकर उन्होंने, और एक कर्नल साहब थे को रिटायर्ड, यहां पर स्पेशल ब्रांच में शायद थे गालिबन, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक जैली रिपोर्ट तैयार की जिसमें यह कहा गया कि जी चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब को कत्ल करने के लिए जो है वो एक साजिश तैयार की गई है। उसके ऊपर उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने फौरी तौर के ऊपर दरखास्त की चीफ जस्टिस साहब से कि वो इंक्वायरी कराएं। उन्होंने एक इंक्वायरी कराई जिसमें पता चला कि ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो फेक थी, और बाद में उन्होंने पर्चे की रिकमेंडेशन की अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ, इन ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इनके खिलाफ, और एक कर्नल साहब उनके खिलाफ उन्होंने पर्चे की रिकमेंडेशन की कमीशन ने बाकायदा। लेकिन बाद में यह हुआ कि वो फिर पोलिटिकल कंप्रोमाइजेज, आपको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी वो इतनी कीन नहीं थी लोगों को साथ के वो आखिरी जाने में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, लिहाजा इन्होंने वही पॉलिटिकल कंप्रोमाइज किया, वो किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ। और ये जो अभी भी गलती जियो ने जो की है और अंसार अब्बासी साहब ने जो की है, वो यही का समझा है कि ये जो हम जनरल जहीरुल इस्लाम है, इनको भी उन्होंने परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी ही समझ लिया कि जिस तरह की खबरें उनके ऊपर लगा के कुछ नहीं होता था, और इफ्तिखार चौधरी साहब ऊपर बैठे हुए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने समझा कि ऐसे ही चल जाएगा अभी भी। लेकिन वो तुक्का जरा महंगा पड़ गया, मुझे लगता है कि ग्रुप को और अंसार अब्बासी साहब को और बाकी साथियों को, और मुझे लगता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम जो है वो काफी जो बढ़ गई है अब तो खैर बड़ी ज्यादा, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या होता है। जब फवाद चौधरी साहब, मैंने आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अल्फाज सुनाए जिसमें वो कहते हैं कि अदालत की तरफ से फौज को सख्त अहकाम आएंगे, जियो और उसके सपोर्टर कामयाब हो जाएंगे, फौज को अदालत की वजह से पीछे हटना पड़ेगा। अदालत ने क्या करना है, ये चेयरमैन PCB साहब को कैसे पता लग गया? क्या इसमें कोई कानून है इस तरह का कि अदालतों को हम इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाते हैं कि लोगों का इंसाफ से एतमाद उठ जाए कि जी अदालतों में भी फैसले प्रीसेट होते हैं, या ये काम पहले होता रहा है और वो अभी भी जिसको हम कहते हैं जब नए चीफ जस्टिस आ गए तो उस पर भी इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्हें भी कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा अर्शद, मेरा ख्याल है जो नजम सेठी साहब जो है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि मेरा ख्याल एक बैकग्राउंड में उन्होंने बात की थी। वो बैकग्राउंड ये था कि जो कंटोनमेंट में उनका ख्याल था कि जियो टेलीविजन बंद कराया जा रहा है और अखबारें बंद कराई जा रही हैं, तो इस बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है तो अदालत जो है वो इसको रोकेगी और हमारे हक में फैसला देगी। यानी कि अगर फौज अखबार नहीं खरीदना चाहेगी तो ये अदालत में जाएंगे और अदालत कहेगी कि आपकी मर्जी है, या पाबंदी तो नहीं ना लगाई जा सकती किसी तरह इंडिविजुअल राइट्स में, कैंटोनमेंट में या कहीं पे पाबंदी? दोबारा मैं आपको सुनाता हूँ, आप दोबारा सुनिएगा क्या कह रहे हैं के खिलाफ। जी मैं दोबारा सुनाता हूँ, डेफिनेटली
पिटिशन अदालत में होगी और अदालत मीडिया के साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। और ये ना हो कि अदालत की तरफ से बड़े सख्त किस्म के डायरेक्टिव्स आए कि ये हरकतें बंद की जाए, ये हरकतें बंद की जाए, ये हरकतें बंद की जाए, इस एन इम्पिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अदालत को तो आज भी शामिल करने की कोशिश की है ना कुछ लोगों ने, वो और तरीके से वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और जियो और उसके सपोर्टर्स कामयाब हो, जियो और उसके सपोर्टर्स कामयाब हो, जियो और उसके सपोर्टर्स कामयाब हो जाएंगे। जियो ने इसलिए उससे पहले फौज ने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिए, अब इनको पीछे हटना है, ये ना इसको ज्यादा देर ना चलाएं, नहीं तो अदालत की तरफ से क्रिटिसिज्म आनी शुरू हो जाएगी, अदालत की तरफ से क्रिटिसिज्म आनी शुरू हो जाएगी, अदालत की तरफ से क्रिटिसिज्म आनी शुरू हो जाएगी और ये फिर इनको पीछे हटना पड़ेगा। जी रेहान हाशमी साहब, आप एमएनए भी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, जब इस तरह की स्टेटमेंट्स अदालत के बारे में दी जाती हैं तो क्या अदालतों का रोल कंट्रोवर्शियल हो जाता है या नहीं, या अदालतों को भी मतनाजा बनाने की कोशिश तो नहीं है? देखें, हमने तो पहले ही अर्ज किया कि कौमी इदारों के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट देना इंतहाई गैर मुनासिब है। उसमें चाहे वो अदलिया हो, चाहे फौज के मुतल्लिका इदारे हों, चाहे वो हसास इदारे हों या दीगर इदारे हों, तो मौजूदा जो दौर था और जो आप सेठी साहब की जो क्लिप्स दिखा रहे हैं, तो कयास आराइयां तो ये पहले भी करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कयास आराइयां भी की हैं, इल्ज़ाम तराशी भी करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मौजूदात पर वो उनकी अपनी कयास आराइयां हैं। मगर इस बात को यकीनन हम कंडेम करते हैं कि किसी भी कौमी इदारे के हवाले से अगर आप कोई कयास आराई ही कर रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन को आप चैलेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह अदालतों को भी अगर आप बात कर रहे हैं, अदालतों को भी तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना गैर महसूस तरीके से। लेकिन अब एक नई बहस का आगाज मेरे ख्याल होता है, वो ये कि वो जो कौमी इदारे हैं उनको भी अपना जो काम जो कर रहे हैं बड़े एहतियात से अब करने की जरूरत है, तमाम चीजों को देखकर करने की जरूरत है। और जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो मीडिया से मुताल्लिक हों इदारे, चाहे वो अदलिया से मुताल्लिक हों, चाहे वो हसास इदारे हों, तो सबको अपना रोल एक डिफाइन करना था कि मुल्क के लिए जो मुल्क अभी जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, जिस क्राइसिस में है हम मिन हैसुल कौम, उसमें अगर इन्हीं चपकलिश में लग जाएंगे जो हमारे जो मेजर जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पसे पुश्त जा रहे हैं, वो पीछे हो रहे हैं। अब देखें, आप डाइवर्ट कर दिया, पूरी कौम डाइवर्ट हो गई है दूसरी जानब, हमारे जो बेसिक जो हमारी चीज मौजू बहस था वो अब सामने है ही नहीं, अब सिर्फ मौजू बहस एक स्पेसिफिक टॉपिक रह गया है और उस पर फिर कयास आराइयां दर कयास आराइयां हो रही हैं, जिसके ऊपर जिससे लोग जो दीगर ममालिक में बैठे हुए लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, आपके दुश्मन मजे ले रहे हैं, और जो आपका मेन फोकस्ड एरिया था, जो आपको अमनो अमान का क्याम अमल में लेकर आना था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपलिफ्ट करना था, बिजली के क्राइसिस से निकालना था, वो तो जेरे बहस नहीं है अब, वो सब बिल्कुल सब भूल गए साहब। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये गठजोड़ अगर कहीं पे है तो ये उसकी भी तो अक्कासी नहीं करता कहीं? देखें, ये कबल अज वक्त होगा किसी भी चीज को के ऊपर हतमी राय देने के लिए, हो सकता है, क्योंकि देखें जिससे नुकसानात हो रहे हैं, अगर एक अननेसेसरी एक्टिविटीज में अगर कौम फंस गई है और उससे जो हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, हम अपने असल ऑब्जेक्टिव से हट गए, तो यकीनन हो सकता है कि गठजोड़ हो, कोई ना कोई साजिश का हिस्सा हो। मसला है, लेकिन इसको तो जो बुनियादी मसला है वो इस तरह शुरू होता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब की और हुकूमत की तरफ से हम ये देखते हैं कि हर उस साजिश को थपकी मिलना शुरू होती है जो फौज के खिलाफ होती है। सो बुनियादी तौर के ऊपर अगर वजीर आजम और वजीर इतलात और जो उनके वजरा की कोर टीम है, अगर वो चाहती तो शायद ये मामला इतना आगे ही ना जाता और इतनी कंट्रोवर्सी जिस तरह से अब शुरू हो गई है और जिस तरह से खराब हुए हैं मामला, शायद खराब ना होते। लेकिन हम ये देखते हैं, हो सकते हैं हमारी बात गलत हो, लेकिन आम तासुर यह है जिसका वजीर आजम और उनके जो खसूसन तीन वजरा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, परवेज रशीद साहब और साद रफीक साहब, जो तासुर मिलता है इन चारों हजरात से वो ये मिलता है कि फौज के खिलाफ जो कोई भी जहां कुछ कर रहा होगा हुकूमत उसके साथ होगी। और यहां पर भी यही हुआ कि जब आईएसआई को एक्यूज किया गया तो वजीर आजम और उनके रुफका जिनका मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे चले गए जियो के पास और उन्होंने उनको पूरी की पूरी अपनी सपोर्ट दी। और जब आईएसआई की बारी आई तो वो देखा कि इदारा अकेला खड़ा हुआ है, हालांकि ये इदारा फौज का इदारा था, इसको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की और वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन दे हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। This is the primary problem.
ये सही तो प्राइम मिनिस्टर का इदारा है ना, प्राइम मिनिस्टर उसके बॉस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जो है वो हेड करते हैं आईएसआई को, और अगर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो वो डायरेक्टली जवाब दे हैं। सिर्फ ये बल्कि रिसेंटली अभी हमें राणा सनाउल्ला साहब और एहसन इकबाल साहब के स्टैंड में भी इसी तरह की चीजें नजर आई हैं। नाज़रीन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो फिल्म का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा कि मीडिया और हुकूमत का जब गठजोड़ होता है तो आम आदमी उससे किस तरह सफर करता है, खबरें किस तरह मुतासर होती हैं एक वक्फे के बाद, और साथ साथ जो अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, जुडिशियल कमीशन पे अदम एतमाद किया जा रहा है, जीआईटी पे अदम एतमाद किया जा रहा है, रेहान हाशमी से पूछेंगे कि इसमें मामला फिर आगे चलेंगे कैसे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जब मीडिया की बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि हम मीडिया जो है अवाम की बात करता है, अवाम के मसाइल की बात करता है, लेकिन जैसे ब्रेक पे जाने से पहले फवाद चौधरी साहब कहे थे जब मीडिया और हुकूमत का आपस में गठजोड़ हो जाए या किसी एक ग्रुप का मीडिया का हुकूमत के साथ गठजोड़ हो जाए तो फिर वहां पे सहाफत नहीं होती, सियासत होती है। और एक फिल्म का आपको मैं सीन दिखाता हूं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। आम आदमी कैसे जान पाएगा ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ, लेकिन जब सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं बनाई जाती। जी डॉक्टर मजाही साहब, जो फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, फिल्मी कहानी सी नहीं लगती जो मैंने आपको सीन भी दिखाया कि मीडिया और हुकूमत का गठजोड़। फवाद चौधरी ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की जो डिलिबरेट एक एम्बिग्यूटी है जो क्लियरली नहीं आई एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करने। देखिए इशू ये नहीं है, हर इदारे को कानून के दायरे में रहना चाहिए और मीडिया को भी कानून के दायरे में रहना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। हुकूमत का काम है कि एक पोजीशन ले। अब ये इदारे हमारे नेशनल इदारे हैं, कोई दुश्मन इदारा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जो साइलेंस थी, जो कुछ नहीं बोले इस इशू पे और अपने मिनिस्टर्स को खुली छुट्टी दे दी कि टारगेट करें एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को, इससे जो हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जियो का और पीएमएलएन का एक जोड़ है, पीएमएलएन का सरोगेट मीडिया सेल इलेक्शन के वक्त से और इलेक्शन से पहले भी बन चुका था। आपको याद है कामरान खान ने जियो पे आके कोई 10:30 बजे के करीब 11 बजे के करीब रिजल्ट अनाउंस कर दिया, 30% रिजल्ट आए थे उस वक्त तक जनरल इलेक्शन के, उन्होंने अनाउंस कर दिया, फौरन तकरीर करवा दी प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त मियां नवाज शरीफ की कि हम जीत गए हैं। मतलब है उसके बाद फिर जाके बड़ी रिवॉर्ड्स मिली हैं लोगों को, चाहे पीसीबी चेयरमैनशिप मिली हो, और आपको पता है सेठी साहब उस वक्त केयर टेकर सीएम थे। तो मतलब है कि ये जो जोड़ था पीएमएलएन का और एक इस मीडिया हाउस के साथ ये अभी भी है। और मुझे जो अफसोस लगता है कि चले मीडिया हाउस को आप सेक्रेट काउ बना दें, लेकिन हुकूमत जो फौज की तरफ बंदूक चला रही है इस मीडिया हाउस के कंधे पे रख के, ये बड़ी डेंजरस गेम है। और मैं समझती हूँ कि हुकूमत को एक बड़ा क्लियर कट वाजे स्टैंड लेना चाहिए और ये इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर तो कैसे नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि आप कौमी इदारों की तबाही चाहते हैं, आप इस वक्त डीमोरलाइज करना चाहते हैं सबको, और आप ये क्या तासुर दे रहे हैं कौम को कि ये इदारे पाकिस्तानी नहीं है, इन पे शको शुबा कर रहे हैं। मैं बार बार उसी पॉइंट पे आऊंगी जो मैंने पहले रेज किया। देखिए अगर कानून कोई इदारा भी तोड़ता है होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो कोई सहाफी हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे कोई जनरल हो या सियासतदान हो, सब पे कानून, एवरीबॉडी इक्वल एप्लीकेशन नहीं चाहिए। रेहान हाशमी साहब आपसे मैं खबरें भी जानना चाह रहा हूँ, जुडिशियल कमीशन भी शुरू हो रहा है और जिस तरह मैंने आपको चेयरमैन पीसीबी की कुछ बातें सुनाई, अदालतों को भी मुतनाजा किया जा रहा है, जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी आपको इस तरह के तहफ्फुज़ात सामने आए हैं कि उसे भी मुतनाजा करने की कोशिश की जा रही है। जी रेहान हाशमी साहब, आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मैं आपसे खबर जानना चाह रहा हूं। जी देखिए, कल जो
कमीशन बैठा है, उन्होंने नोटिस जारी कर दी है। हमारी दोपहर में भी बात हुई, जो सेक्रेटरी दाखिला अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, ये चैम्बर में समाप्त होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जैसे मैंने पहले बताई कि कराची में अब कितने लोग उस कमीशन के सामने पेश होते हैं, जो बातें कर रहे हैं जी फलां इन्वॉल्व है, जो इदारे इन्वॉल्व हैं, हमारे पास सबूत हैं, ईमेल्स हैं, और हामिद मीर साहब ने हमें भेजा था, वो आके कमीशन के सामने क्या बयान देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कल पता चल जाएगा क्योंकि 28 से लेकर 2 मई तक कमीशन कराची में मौजूद रहेगा, वो तमाम लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसमें देखना होगा कि कौन कौन लोग आके क्या क्या शवाहिद देते हैं कमीशन। अच्छा, को कमीशन अपनी रिपोर्ट सवाल ये भी है कि ये ईमेल्स और सारा रिकॉर्ड तो आप पेश कर देंगे, जो एविडेंस होता है जिससे आप अपने इल्जाम को बैकअप कर सकते हैं, वो आपको कितनी उम्मीद है कि जो सहाफी ये चीजें कह रहे हैं उनके पास ये वाला एविडेंस भी है? क्योंकि सलीम शहजाद कमीशन रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है उसमें सहाफियों ने इस तरह के इल्जाम तो लगाए थे लेकिन सबूत कोई सहाफी पेश नहीं कर सका था। कोई सबूत है आपके ख्याल में जो कि पेश कर सकते हैं ये सहाफी जिन्होंने दावे किए थे कि ISI चीफ इसमें इन्वॉल्व है और वो थ्रेट्स दे रहे थे? देखिए, अगर सबूत होते तो 24 घंटे में मुकदमा दर्ज हो जाता और केस रिजॉल्व हो जाता। सबसे बड़ी आपके सामने ही है कि सबूत किसी के पास नहीं है, सिर्फ इंटरनली इत्तला दी गई, इदारे को बताया गया। अगर सबूत होते तो FIR हामिद मीर साहब के भाई उनके मुद्दे ही होते, वो मुकदमा दर्ज कराते। 4 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई, 5वें दिन पुलिस ने खुद FIR कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ इंटरनली बताया जा रहा है कि जी फला शख्स ने, फला इदारे ने मुझे थ्रेट दिया है और इदारे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं। लेकिन अब सबूत कानून अच्छा साहब जो अदालतें हैं वो सबूत मांगती हैं। आज मैं भी कहना शुरू कर दूं जी फला शख्स ने मुझे धमकी दी है, क्या सबूत है? क्या मेरे पास कोई कॉल रिकॉर्ड है? क्या कोई मेरे पास SMS है? अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जियो फेंसिंग होती है, SMS रिकॉर्ड होते हैं, मुख्तलिफ इदारे आपको कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन वगैरह का डेटा चेक हो चुका है। रेहान साहब देखिए, अब तक जो हमारी इंफॉर्मेशन कितने हो चुके हैं, जो तकरीबन 10 के करीब मोबाइल फोन की जो जियो फेंसिंग हो चुकी है जिसमें से डिटेक्ट किया जा रहा है कौन कौन नाते में था, जबकि जो उनके अपने इम्प्लॉयज हैं तकरीबन 10 के करीब ऐसे इम्प्लॉयज हैं जिनका स्टेटमेंट आज दोपहर में रिकॉर्ड हो चुका है, जो पुलिस की टीम उनके बयान कलमबंद कर रही है, जिनसे पूछा जा रहा है कि इम्प्लॉयज का मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी है रेहान हाशमी साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में डेक्लन वॉश ने एक आज खबर दी है कि मेहरान बेस पे जो हमला हुआ था उसमें भी वन ऑफ द अटैकर्स वो इसी ग्रुप से ताल्लुक रखता था। आपने पढ़ी है वो खबर? देखिए मैंने खबर नहीं पढ़ी लेकिन हमने पूरा रिपोर्ट किया है, कोई 19 घंटे मैं खुद वहां मौजूद रहा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती रही, उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ऐसा हमें कोई नहीं मिला कि इनका अपना रिपोर्टर इन्वॉल्व था। लेकिन जो पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जो इनका अपना साफी जिन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, उसमें कुछ रिपोर्ट आई थी कि इनके अपने अंदर के लोग हैं जिन्होंने इत्तला फराहम की थी उनके दफ्तर से निकलने से लेकर गाड़ी के नंबर तक, तो वो उसके बाद वो अचानक पुलिस ने वो रिपोर्ट बनाने के बाद खुलबुली मच गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो स्टेटमेंट मुख्तलिफ लोगों के हैं। असल जो पॉइंट है जो पुलिस जिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट उन गोलियों की जो खोल है जो मैच होते हैं वो किससे मैच होते हैं, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और आज आ जाएगी, कुछ लीड भी मिली है IG सिंह के मुताबिक, कुछ लीड भी मिली है। फवाद चौधरी साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में आज बड़ा वाजे तौर पर मेंशन था, अब न्यूयॉर्क रेहान हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे हैं उनके नॉलेज में ये चीज नहीं थी, डेक्लन वॉश कह रहे हैं कि एक साबिक मैनेजर हैं जियो ग्रुप के, उन्होंने ये खबर उनको बताई है कि मेहरान बेस पे जो हमला हुआ था उसमें भी इसी ग्रुप का एक इम्प्लॉय शामिल था। फिर वली खान बाबर केस हुआ उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी यहां से, और जैसे रेहान हाशमी ने बताया हमें कि 10 इम्प्लॉयज के आज उन्होंने बयान कलमबंद करवाए, कितनी पॉसिबिलिटी है कि हामिद मीर साहब की मूवमेंट्स इंटरनली लीक हुई हो और यहां से भी कुछ आपको शक जाता है? देखिए, बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बेशुमार लोग होंगे, हो सकता है कहीं से कोई जो है वो किसी का कांटेक्ट भी हो या कुछ हो उससे ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक जो आगे आपने बात की थी कि एविडेंस वगैरह की, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको अपना एक वाक्य सिर्फ शेयर करना चाहता था कि मैं आई वॉज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो उस वक्त ये मिसिंग पर्सन जो बलूचिस्तान का मसला काफी ज्यादा था, तो उन्होंने एक बलूचिस्तान कमेटी बनाई
और जब आर्मी चीफ को उन्होंने उस कमेटी के सामने बैठा दिया और 20 मिनट जब आर्मी चीफ को उन्होंने जो सवालात किए और उसके बाद 20 मिनट आर्मी चीफ ने बात की, तो बलूचिस्तान कमेटी में बहुत जो अग्रेसिव लोग थे मिसिंग पर्सन के पास, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। तो जो आपने एविडेंस की बात की है, बड़ा आसान होता है एलिगेशन लगा देना, लेकिन अभी फौज का भी मुझे फ्रेंकली ISPR या जो बाकी उनके जो राय ताल्लुकाते आमा के लोग हैं, मुझे नहीं समझ आते कि मिसिंग पर्सन और बाकी सब के ऊपर उनके पास इतना बड़ा डाटा होता है जो वो शेयर नहीं कर पाते मीडिया के साथ। और बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी की वजह से शायद शेयर नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब, रेहान हाशमी ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची, रेहान हाशमी साहब MNA MKM कराची और डॉक्टर शीम मजाही साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाजीन, मीडिया अगर अपना बुनियादी किरदार अदा करता रहे, आम आदमी के मसाइल, मेरे और आपके मसाइल जो हैं, लोड शेडिंग 12-12 घंटे 18 घंटे मुख्तलिफ शहरों में होनी शुरू होगी है, महंगाई है वो रुकने को नहीं आती, और मीडिया अगर ये किरदार शुरू कर दे कि हमने ISI चीफ हटवा के कोई और ISI चीफ लगवाना है और उसके ऊपर आप इल्जामात की बौछाड़ कर दें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, पावर गेम्स आप शुरू कर दें, हुकूमत के साथ गठजोड़ कर दें, तो जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उस पे से नजर हुकूमत की हट जाती है, वो मसाइल हल नहीं होते। मेरे ख्याल से हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उसने आवाम के मसाइल हल करने, अपने इदारों का दिफा करना है, या कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ खड़े होना है जिनके साथ बकौल डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और मुख्तलिफ सियासतदान पहले से एक गठजोड़ चला आ रहे हैं। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।